दोस्तों, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ये जो SBI कैश डिपॉजिट मशीन है उसको मैं क्या करूं, ये सब लेके जाऊं और तोड़ फोड़ करके जितना ही पैसा मेरा उसमें रुका हुआ है उन सबको मैं तोड़ फोड़ करके वापस निकाल लूं। ऐसा आपके मन में भी हो सकता है, ऐसा विचार आ सकता है। चलिए थोड़ा और मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि ये सब कैसे होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पहले से ही पता होगा कि SBI कैश डिपॉजिट मशीन है जो जब भी आप पैसा जमा करने जाते हो, डिपॉजिट करने जाते हो अपने अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी टाइम सेशन जो टाइम आउट हो जाता है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि पैसा फंस जाता है और हमारे अकाउंट में पैसा जमा होता ही नहीं है। इससे क्या होता है कि पैसा बाहर भी नहीं निकलता और हमारे अकाउंट में पैसा जमा नहीं भी होता। ठीक है, तो अभी ऐसा मन ऐसा अगर होगा तो आप कैसा लगेगा? अभी ऐसा तो नहीं है यार कि खुद का जो घर की मशीन तो नहीं है कि ये सब लेके जाऊं और उसको तोड़ फोड़ के मैं अपना पैसा वापस ले लूं, ऐसा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, कभी आपका पैसा फंस सकता है और आपके अकाउंट में जमा नहीं भी हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से ट्रांजेक्शन फील्ड बता देता है कि पैसा जमा एक बार हो गया और अकाउंट में जमा नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि मैं 10,000 इसमें पैसा जमा किया और इसमें मेरा जो 8,000 है वो मेरे अकाउंट में जमा हो गया है, लेकिन 2,000 नहीं हुआ, 2,000 उसमें फंस गया और अकाउंट में मेरे 8,000 जमा हुए हैं। तो अभी 2,000 का क्या करूँगा मैं, बाहर तो आ नहीं रहे हैं। तो अभी ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, ये सब आपके साथ में हो सकता है, ये सब जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो आप जब भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन आए तो आप क्या कर सकते हो, एक तो वो जो वॉचमैन होता है बाजू से उसकी हेल्प ले सकते हो। क्या बोलेगा कि अभी आपको नेक्स्ट दिन, मान लीजिए कि आज संडे है तो अभी कल सोमवार है, कल आप जाना बैंक ब्रांच में और यहाँ पे एक लेटर होता है। अगर मेरे पास लेटर नहीं है, जब भी मुझे लेटर मिलेगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा फिल करके कैसे फिल करते हैं। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल में वो लेटर नहीं है, तो आपको वहाँ पर एक लेटर फिल करना पड़ेगा और पूरी डिटेल आपको वहाँ पर बतानी पड़ेगी कि क्या मुझे प्रॉब्लम हुई है उस टाइम पर। तो देख लीजिए, मेरे पास कुछ स्लिप पड़ी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, मेरे पास कुछ स्लिप पड़ी हुई है जो कि टाइम आउट की वजह से आपका पैसा उस मशीन में फंस गया और अकाउंट में जमा नहीं हुआ है, या फिर कुछ पैसा आधा हुआ है जमा और आधा नहीं हुआ है, कुछ इस प्रकार से टाइम आउट हो गया है। तो इस प्रकार से आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी इस मशीन का भी यूज करें तो फटाफट से करें जितना जल्दी आपको हो सके, क्योंकि टाइम आउट हो जाता है लास्ट में, तो ऐसी सिचुएशन आपको हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको हो सकती है इनेबल टू प्रोसेस, या फिर कोई सक्सेस होता है, या कुछ इनवैलिड ट्रांजेक्शन आर अकाउंट, या फिर इनेबल टू प्रोसेस, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। मैं तो इसको हमेशा यूज करता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है ये सब। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि SBI ब्रांच जाके, ठीक है, तो अभी आपको वहाँ पे मैनेजर से बताना पड़ेगा और ये जो स्लिप मिलती है किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन फील्ड बताएगा तो आपको उसकी स्लिप रखना है। ठीक है, हो सकता है तो अपने मोबाइल में एक फ़ोटो खींच लीजिए, ताकि क्योंकि इसमें क्या है कि नंबर है ना गायब हो जाता है कुछ टाइम से, तो इसकी आप एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए और इसको संभाल के रख लीजिए, क्योंकि इसमें सब कुछ डिटेल दिया हुआ रहता है, आपका जो ATM नंबर है और टाइम डेट और ट्रांजेक्शन क्या फील्ड बताया, उस प्रकार से सब कुछ इसमें पूरी की पूरी डिटेल दी रहती है। इससे क्या होता है कि पैसा रिफंड करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो अभी आपको ब्रांच जाके एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा, फिर आपको 24 घंटे में, या तो फिर हो सकता है कि आपको जो वर्किंग डे है 7 डे, उसमें आपका रिफंड मिल जाए ऑटोमेटिक से आपके अकाउंट में, ऑटोमेटिक से आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाए इस प्रकार से। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके ही अकाउंट में जाएगा। थोड़ी सी आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, स्वयं से आपको ब्रांच जाना पड़ेगा और इस स्लिप को संभाल कर रखना पड़ेगा, वहाँ पे एप्लीकेशन फिल करके, और आपको 24 घंटे के अंदर पैसा मिल जाएगा। अभी और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है, आपके मन में ऐसा हो सकता है कि यार मैंने तो SBI कैश डिपॉजिट मशीन से दूसरी ब्रांच का मैंने यूज किया था और मैं इस ब्रांच में आके एप्लीकेशन फिल करूँ, ऐसा नहीं है। ये जिस भी ब्रांच से लिंक होगी मशीन उसी ब्रांच में आपको जाना है और वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बस। ऐसा आपके मन में हो सकता है कि मैं कहीं और फिल कर दूं, ऐसा नहीं है, आपको वहीं उसी ब्रांच में जाना होगा जिस ब्रांच में ये मशीन आपको लिंक मिलेगी। तो यही कुछ था इस SBI कैश डिपॉजिट मशीन से रिलेटेड, कि आपके भी कुछ थोड़ा बहुत एरर इस प्रकार से आ सकते हैं, आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा कि आपको जो पैसा रिफंड चाहिए है वो किस प्रकार से चाहिए और क्या क्या करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।